Hello kids, in this video of IMO for class 7, I am going to start chapter 11, that is perimeter and area. To start karte hai first problem of mathematical reasoning. First question is, in the given figure not drawn to a scale, AB is equal to BC is equal to CD, find the perimeter of the given figure. So basically, hume iska perimeter nikalna hai and question mein jo given hai, that is AB is equal to BC is equal to CD. Theek hai? Sorry, BC is equal to CD, ये given है and question में जो आपको clearly दिख रहा है that is AB plus BC plus CD is equal to दिख रहा है 42 centimeter. अब अगर ये तीनों ही equal हैं तो क्या हो जाएगा, this will be equal to 42 by 3 is equal to 14 centimeter. ठीक है, now अब हमें perimeter find out करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो हाफ सर्कल छोटा वाला दिख रहा है इसका पेरीमीटर, देन ये जो बिगर सर्कल है इसका पेरीमीटर एंड ये साइड्स को ऐड करेंगे. ठीक है, तो नाउ सबसे पहले इसके लिए हम लेट कर लेते हैं कि दिस इज आर वन एंड दिस इज आर टू. ठीक है, आर टू क्या होगा, आर टू विल बी इक्वल टू ए डी बाई टू इज इक्वल टू 42 बाई 2 इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर. ठीक है, नाउ आर वन की अगर बात करें, जो छोटा वाला सर्कल है तो R1 is equal to BC, उसका डायमीटर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा BC by 2 is equal to 14 by 2 is equal to 7 centimeter. ठीक है, now what is the formula for perimeter, perimeter of circle or circumference of circle is equal to होता है 2 pi R, but यहाँ पर half circle है इसे हो जाएगा C1 is equal to 2 pi R1 by 2 is equal to pi R1 because this is half circle. Same way C2 is equal to 2 pi R2 divided by 2 is equal to pi R2. ठीक है, तो now perimeter of given figure will be equal to C1 plus C2 plus CD plus AB, जो साइड दिख रहे हैं. ठीक है, नाउ अब इनकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं. पाई की वैल्यू क्या होती है, 22 बाई 7, तो इसके केस में क्या हो जाएगा, 22 बाई 7 इंटू आर वन की वैल्यू क्या है, 7, 7 से 7 कैंसिल मींस 22 सेंटीमीटर. नाउ आउटर वाले के लिए क्या हो जाएगा, 21 है ना, तो मींस 22 बाई 7 इंटू 21, 7 थ्री जा 21, 22 इंटू 3 66 सेंटीमीटर. नाउ वैल्यू पुट करते हैं, C1 की 22 प्लस C2 की 66 प्लस CD और AB, CD और AB दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, 14 प्लस 14 प्लस करते हैं 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 6 14, 14 प्लस 2 16 के 6 पावर आई 1, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 6 8, 8 प्लस 2 10 और पहले वाला 1 तो 116 सेंटीमीटर. तो विच ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट फॉर दिस. टू फाइंड द अनशेडेड एरिया ऑफ द गिवन फिगर, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, दो रेक्टेंगल हैं तो हम पहले आउटर वाले रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे, फिर इनर वाले का निकालेंगे, इनर वाला शेडेड है तो उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वी गेट द आंसर. ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम आउटसाइड वाले का निकालें, मीन्स एरिया ऑफ क्या हो जाएगा, एल इंटू बी, और एल की वैल्यू क्या है, यहां पर एल दे रखी है 24.5 सेंटीमीटर एंड जो वेथ दे रखी है वो दे रखी है 12 सेंटीमीटर. तो मल्टीप्लाई करते हैं 12 5 जा 60 की 0 पावर आई 6, 12 4 जा 48, 48 प्लस 6 क्या होगा 54, तो यहां क्या आएगा 4 पावर आई 5, 12 2 जा 24, 24 प्लस 5 क्या होगा 29, एक प्लेस के बाद डॉट है तो यहां डॉट और ये क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, ये तो फर्स्ट वाले का हो गया. नाउ अब जब शेडेड वाले का निकालेंगे तो पहले शेडेड वाले की लेंथ निकालेंगे, लेंथ ऑफ शेडेड वाले का नाम दे रखा है ई एफ जी एच विल बी इक्वल टू 24 माइनस 5 पहले वाले की लेंथ. अब जो अनशेडेड वाला पोर्शन है वो दोनों साइड से 3 3 है, मींस माइनस क्या हो जाएगा 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 24.5 माइनस 6 इज इक्वल टू 18.5 सेंटीमीटर एंड विथ क्या हो जाएगी, विथ ऑफ ई एफ जी एच विल बी इक्वल टू सेम
दोनों साइड से 3-3 सेंटीमीटर का माइनस, माइनस 3+3 इज इक्वल टू 12-6 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर. तो नाउ एरिया ऑफ ई एफ जी एच विल बी इक्वल टू 18.5 × 6. मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लीकेशन करते हैं, 6 × 5 = 30 की 0 पावर आई 3, 6 × 8 = 48, 48+3 क्या होगा 51, यहाँ पर आया 1, पावर क्या है 5, 6 × 1 = 6, 6+5 क्या होगा 11, मीन्स 111 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, तो नाउ एरिया ऑफ अनशेडेड विल बी इक्वल टू दिस, मीन्स 294 − 111 इज इक्वल टू 4 × 7 = 3, 9 × 7 = 8, 2 × 7 = 1 सेंटीमीटर स्क्वायर. मीन्स विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर दिस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन द गिवन फिगर नॉट ड्रॉन टू स्केल बी डी ई एफ एच, मीन्स की बी डी एफ एच, ठीक है, आर द मिड पॉइंट ऑफ ए सी सी ई ई जी एंड जी ए रिस्पेक्टिवली. फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन इफ ए जी ई सी, ए जी ई सी मीन्स की जो ये होल साइड है आउटर साइड, इसका एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है. तो नाउ यू कैन सी कि ये जो पोर्शंस हैं ये मिलकर हमारा एक स्क्वायर फॉर्म करेंगे, मीन्स 1/4 ऑफ दिस, बिकॉज मिड पॉइंट्स में है. तो सिंपल हो जाएगा, एरिया ऑफ शेडेड, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इज इक्वल टू 1/4 ऑफ एरिया, ए जी ई सी इज इक्वल टू 1/4 × 100 इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, मीन्स ए इज द राइट ऑप्शन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ द गिवन फिगर. इस फिगर का हमें एरिया फाइंड आउट करना है, तो हम इसको पहले पार्टीशंस कर लेते हैं. ठीक है, सबसे पहला पार्टीशन जो मैंने किया दिस वन, देन दिस वन. ठीक है, ये हो गया मेरा फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट. ठीक है, नाउ अगर हम फर्स्ट पार्ट की बात करें तो दिस इज स्क्वायर, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू, स्क्वायर है ना 1 × 1 का, तो ये क्या हो जाएगा 1 × 1 इज इक्वल टू 1 cm². ठीक है, नाउ अब हम इसके लिए एरिया निकालें, दिस इज रेक्टेंगल, रेक्टेंगल इसका निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ थर्ड, रेक्टेंगल की लेंथ क्या है 3 और विड्थ क्या हो गई 1, तो 3 × 1 इज इक्वल टू 3 cm². ठीक है, नाउ अब हमें देखना है एरिया ऑफ सेकेंड, ये थोड़ा सा हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, एरिया ऑफ सेकेंड. अब इसकी लेंथ देखो, ये टोटल क्या थी 5 थी, यहाँ से 1 cm इसका निकला, तो यहाँ पर यहाँ तक की जो लेंथ होगी दैट विल बी 4, तो लेंथ क्या हो गई 4, और जो इसकी विड्थ है, विड्थ रहेगी वही 1 cm, मीन्स इंटू 1 इज इक्वल टू 4 cm². नाउ टोटल करेंगे तो हम इन तीनों को ऐड करेंगे, 1 + 3 = 4, 4 + 4 = 8, मीन्स 8 cm², मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर दिस. द एरिया ऑफ अ सर्कुलर फील्ड इज 13.86 हेक्टेयर्स, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इफ एट द रेट ऑफ 4.25 per meter. तो सबसे पहले हमें इसमें क्या फाइंड आउट करना होगा, अगर हमें फेंसिंग फाइंड आउट करनी है तो हमें उसका पेरीमीटर चाहिए या सर्कुमफेरेंस चाहिए. सर्कुमफेरेंस कैलकुलेट करने के लिए हमें रेडियस पता होनी चाहिए, बट रेडियस गिवन नहीं है, बट एरिया गिवन है, तो एरिया से हम रेडियस फाइंड आउट करेंगे और देन हम उसकी कॉस्ट फाइंड आउट करेंगे. नाउ जो क्वेश्चन में गिवन है, एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, ठीक है, और ये वैल्यू जो गिवन है दैट इज 13.86 हेक्टेयर, तो 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 10,000 m², ठीक है, बेसिकली ये क्या होता है 100 × 100 m², ठीक है, तो नाउ 13.86 हेक्टेयर्स विल बी इक्वल टू 13.86 मल्टीप्लाइड विथ 10,000 विल बी इक्वल टू 1,38,600 m². मीन्स पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 13,8,600. तो आर स्क्वायर विल बी
13,8,600 डिवाइडेड बाई पाई. वी ऑल नो पाई इज इक्वल टू होता है 22/7. तो नाउ वैल्यू पुट करेंगे तो 13,86×00 डिवाइडेड बाई 22/7. तो ये डिवाइड में है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, इंटू 7 डिवाइडेड बाई 2. इसको हम सॉल्व करें, सिंपल कर लेते हैं 2 की टेबल से. तो यहाँ क्या आएगा 11, यहाँ क्या होगा 6,9,300. ठीक है, नाउ 11 की टेबल से इसको करें तो क्या होगा 6, 11, 6 जा 66 और 11, 3 जा 33 और यहाँ क्या आएगा 00. मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो जाएगा 0, 0, 7, 3 जा 21 की 1, 7, 6 जा 42 + 2 क्या हो जाएगा 441 मीटर स्क्वायर. ठीक है, तो ये हो गया आर स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर. तो आर क्या हो जाएगा, आर विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4,4,100. आइदर आपको स्क्वायर रूट निकालने आता हो, नहीं तो दिस इज 210 मल्टीप्लाइड विद 210 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 210 मीटर. ठीक है, नाउ अब हमारे पास क्या है, रेडियस है. तो जब रेडियस है तो वी कैन फाइंड द पेरीमीटर और सर्कमफेरेंस. सी इज इक्वल टू होता है 2πr. तो सी विल बी इक्वल टू 2×22/7×210. 7, 3 जा 21. सी विल बी इक्वल विल बी 44 × ये क्या है 3×0 = 30. तो सी विल बी इक्वल टू 30 से मल्टीप्लाई करें तो 0 तो रहेगा ही, 3×4 = 12 × 2 power i 1 और यहाँ क्या आएगा 13 मीटर. तो नाउ कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इज इक्वल टू 13,20×4.25. इसको आप रफ में मल्टीप्लाई करेंगे एंड यू गेट द आंसर 5,610 rupees. तो विच ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस, ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर दिस. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर नॉट ड्रॉन टू स्केल ऑल ट्रायंगल्स आर इक्विलैटरल एंड पी क्यू इज इक्वल टू 12 units. मीन्स की इसकी वैल्यू क्या है 12 units. अदर ट्रायंगल्स हैव बीन फॉर्म्ड बाई टेकिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स. इसके मिड पॉइंट से लिया गया है तो ऑब्वियसली जो ये ट्रायंगल्स होंगे इनकी जो ये लेंथ होगी वो क्या होगी 6. ठीक है, उसके ऊपर वाले की उसकी हाफ, उसके ऊपर वाले की उसकी हाफ. ठीक है, बाई टेकिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स वॉट इज द पेरीमीटर ऑफ द फिगर. ठीक है, अब हमें पेरीमीटर ऑफ द फिगर फाइंड आउट करना है. देखो साइड्स काउंट करने पड़ेंगे यहाँ पर पहले. तो अब ये देखो, अगर ये टोटल जो है दैट इज क्या क्वेश्चन में मैंशन है, हाँ दैट इज 12. ठीक है, तो इसका हाफ मीन्स दिस साइड इज 6. ठीक है, अब ये 6 वाले हमें साइड कितने दिख रहे हैं पहले वो देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ठीक है, 6 दिख रहे हैं, हो जाएगा 6×6+. ठीक है, तो हाफ होंगे ये वाले होंगे तो ये कितने हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6. ये हो गया प्लस 6×3 क्योंकि इनके हाफ हैं. अब इनके जो हाफ हैं ये जो है दिस वन, ये होगा 3 का भी हाफ मीन्स 1.5. अब ये कितने हैं ये देखते हैं. देखो एक में देखो 1, 2, 3 है, एक में 3 है तो 3 यहाँ 3 यहाँ 3 यहाँ, तो टोटल क्या होगा ये 9. तो ये हो जाएगा प्लस 9×1.5. ठीक है, नाउ सॉल्व करते हैं. ये हमारा क्या था 6 था. ठीक है, 6×6 = 36 + 6×3 = 18 + 15×9 क्या होता है 135. तो ये क्या हो जाएगा 13.5. इन सबको हम क्या करेंगे प्लस, तो 0.5 तो होगा ही, 3 + 8 = 11 + 6 = 17 की 7 power i 1 4 5 6 67.5 units. नाउ विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन देख लो इसके लिए, ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर दिस. क्वेश्चन नंबर 7, इफ द एरिया ऑफ टू सर्कल्स आर इन द रेशियो 25:36 देन द रेशियो ऑफ देयर सर्कमफेरेंसेस. तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि हमें एरिया गिवन है तो हमें इनकी रेडियस फाइंड आउट करनी होगी. रेडियस फाइंड आउट हो जाएगी तो वी कैन कैलकुलेट द सर्कमफेरेंसेस. तो हम रिलेशनशिप देखते हैं रेडियस में क्या है. वी ऑल नो कि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, सर्कल के एरिया का, एरिया इज गिवन बाई पाई आर स्क्वायर. ठीक है, तो नाउ अगर हम ले लें कि सर्कल 1 के लिए रेडियस की वैल्यू क्या है R1 और सर्कल 2 के लिए रेडियस की वैल्यू क्या है R2. ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जो गिवन वैल्यू है रेशियो ऑफ एरिया 25
बाई 36 इज इक्वल टू पाई आर वन स्क्वायर डिवाइडेड बाई पाई आर टू स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल, ठीक है। नाउ आर वन स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर टू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, 25/36, ठीक है। इसका अंडर रूट लेना होता है 5 × 5 और दिस इज 6 × 6, मीन्स यहाँ से क्या पता चल गया, आर वन बाई आर टू इज इक्वल टू 5/6, ठीक है। तो ये हमें आर वन आर टू की वैल्यू पता चल गई। अब हम क्या करेंगे, सर्कमफ्रेंसेस के रेशियो निकालनी है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, सी इज इक्वल टू 2πr, ठीक है, यही फॉर्मूला होता है ना। तो रेशियो क्या हो जाएगा, रेशियो ऑफ सी सर्कमफ्रेंसेस इज इक्वल टू C1/C2 और C1 क्या हो जाएगा, 2πr1 डिवाइडेड बाई 2πr2, ठीक है। तो यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे 2π से 2π कैंसिल, फाइनली हमें क्या मिलेगा, R1/R2 और R1/R2 की वैल्यू क्या है, 5/6, मीन्स रेशियो क्या हो जाएगा, 5:6, तो डी इज द राइट ऑप्शन। अकॉर्डिंगली इफ द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 5 मीटर, 1.2 डेकामीटर एंड 130 डेसीमीटर, देन इट्स एरिया इज, तो हम पहले इसको क्या कन्वर्ट करेंगे एक ही यूनिट में, आंसर्स देखो आप सारे मीटर में हैं, तो हम सारी यूनिट्स को कन्वर्ट करेंगे मीटर में, देन ट्रायंगल बनाएंगे और फिर हम उसका एरिया फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट दे रखी है, फर्स्ट साइड इज इक्वल टू 5 मीटर, ठीक है। सेकेंड साइड दैट इज 1.2 डेसीमीटर या डेकामीटर इज इक्वल टू होता है 10 मीटर, हेंस 1.2 डेकामीटर विल बी इक्वल टू 1.2 × 10 इज इक्वल टू 12 मीटर, ठीक है। नाउ थर्ड साइड गिवन है 130 डेसीमीटर एंड 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू होता है 0.1 मीटर, हेंस 130 डेसीमीटर विल बी इक्वल टू 130 × 0.1 इज इक्वल टू 13 मीटर। नाउ अब जो ट्रायंगल बनेगा यहाँ पर 5, ठीक है, और ये क्या हो गया 13, ठीक है। ये कैसे हुआ कि ये राइट एंगल ही होगा, तो नाउ यू कैन फाइंड आउट, जो लॉन्गेस्ट है उसकी लेंथ है 13 मीटर, जो दो साइड्स के हैं उनको अगर हम 12² + 5² अंडर रूट में करें तो हमें क्या मिलेगा, 144 + 25 मीन्स 169 और अंडर रूट ऑफ 169 इज इक्वल टू 13, तो दिस इज राइट एंगल। नाउ ये राइट एंगल है, लेट दिस इज ए, दिस इज बी, सी, तो एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी इंटू बी सी इज इक्वल टू 1/2 × 5 × 12, 2×6 = 12, 5×6 इज इक्वल टू 30 मीटर स्क्वायर। विच ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, इन द गिवन फिगर नॉट ड्रॉन टू द स्केल ऑल 6 quadrants आर आइडेंटिकल, फाइंड द शेडेड एरिया। अगर हमें शेडेड एरिया फाइंड आउट करना है तो हमें पहले ईच क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड आउट करना होगा, रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करना होगा, देन रेक्टेंगल के एरिया से समीशन ऑफ ऑल क्वाड्रेंट्स एरिया को माइनस करना होगा, देन वी गेट द एरिया ऑफ शेडेड, ठीक है। तो नाउ स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम इजिएस्ट करते हैं रेक्टेंगल का, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, इसकी जो लेंथ दे रखी है दैट इज 21 सेंटीमीटर और जो विड्थ दे रखी है दैट इज 14 सेंटीमीटर, तो मल्टीप्लाई करते हैं, 14 × 1 = 14 की 4 power i 1, 14 × 2 = 28, 28 + 1 क्या होगा 29, तो 294 cm² इसका हो गया। नाउ अगर आप कोऑर्डिनेट्स देखो, कोऑर्डिनेट्स का मींस क्या है, ये एक सर्कल है, ठीक है, और इसका जो ये एक पोर्शन है दिस इज वन कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। नाउ अब आपको दिख रहा है कि 14 जो लेंथ की बात करें तो उसमें दो कोऑर्डिनेट्स हैं, मींस वो क्या हो गया, डायमीटर हो गया, ठीक है। तो रेडियस क्या हो जाएगी इसकी, हाफ, मींस रेडियस ऑफ
क्वाड्रेंट्स इज इक्वल टू, अगर हम विड्थ के साइड से करें तो 14/2, और लेंथ के साइड से करें तो देखो 3 है इसमें क्वाड्रेंट्स, तो दोनों केसेस में हमें 7 सेंटीमीटर मिलना है. ठीक है, नाउ एरिया ऑफ वन क्वाड्रेंट्स क्या हो जाएगा, 1/4 ऑफ दिस सर्कल. मींस कि अगर ये 1/4 पार्ट है तो ऑब्वियसली इस एरिया का 1/4 मींस 1/4 ऑफ पाई आर स्क्वायर. और यहां पर क्या हो जाएगा, 1/4 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू क्या है, 7 स्क्वायर. तो 1 स्क्वायर से 1 स्क्वायर कैंसिल, यहां पर आएगा 2, यहां आएगा 11, क्या आएगी वैल्यू, 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये हुआ फॉर वन क्वाड्रेंट. एरिया ऑफ 6 क्वाड्रेंट्स इज इक्वल टू 6 इंटू एरिया ऑफ वन क्वाड्रेंट. ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी, 6 इंटू 77/2, यहां पर क्या आएगा, 3, मल्टीप्लाई किया 3 7 21 की 1 पावर आई 2, 3 7 21 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 23 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, तो ये हमें किसका मिल गया, रेक्टेंगल का, और हमें मिल गया क्वाड्रेंट्स का, और हमें चाहिए किसका, शेडेड का. शेडेड एरिया एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट्स इज इक्वल टू 4 से 1 माइनस किया 3, 9 से 3 माइनस किया 6, 63 सेंटीमीटर स्क्वायर. मींस ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर दिस. ठीक है, इन अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी डायगोनल ए सी मेजर्स 34 मीटर एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए सी फ्रॉम आइदर ऑफ वर्टेक्स बी एंड डी इज 12 मीटर. एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इज, सबसे पहले तो पैरेललोग्राम मीन्स की जिसकी अपोजिट साइड्स क्या होंगी, सेम होंगी, और डायगनल्स जो होंगे वो सेम नहीं होंगे. ठीक है, कैसे भी नंबरिंग कर लो, लेट मैंने यहाँ से शुरू किया ए बी सी डी, और ए सी की डिस्टेंस इन्होंने बताई 34 मीटर. दिस इज 34 मीटर, एंड जो डिस्टेंस है वर्टेक्स से ऑन डायगनल परपेंडिकुलर दैट इज 12 मीटर. दिस वन और दिस वन मीन्स कि ये और ये डिस्टेंस कितनी है, 12 मीटर. दिस साइड भी 12 मीटर. ठीक है, तो नाउ अब हम इसको क्या, हमें फाइंड आउट क्या करना है, यहाँ पर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज गिवन बाय बेस इनटू हाइट. यहां पर भी हम क्या कह सकते हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी. ठीक है, अब ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. ठीक है, दिस इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल. ठीक है, तो नाउ यहां हाइट क्या है, 12 मीटर, मींस 1/2 इंटू बेस इज 34 मीटर इंटू 12 प्लस 1/2, सेम ही है दोनों के लिए 12. ठीक है, ये करो हाफ हाफ है, मींस कि हम ये भी लिख सकते हैं ना, बेस इंटू हाइट मींस 34 इंटू 12, दोनों फॉर्मूला यूज कर सकते हो, आइदर दिस और दिस. यहां मल्टीप्लाई किया तो 12 4 जा 48 की 8 पावर आई 4, 12 3 जा 36 प्लस 4 क्या होगा, 40 408 मीटर स्क्वायर. ठीक है, दिस इज द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. विच ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस, ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर दिस. क्वेश्चन इज द इफ द डायामीटर ऑफ अ सर्कल इज डबल देन द एरिया बिकम्स द ओरिजिनल एरिया. मींस कि हमें बताना है कि कितना बढ़ जाएगा. सबसे पहले तो लेट रेडियस इज इक्वल टू आर. इफ रेडियस इज आर देन डायामीटर विल बी इक्वल टू 2r. इफ रेडियस 2r है तो लेट एरिया 1 इज इक्वल टू, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर ना, पाई आर स्क्वायर. ठीक है, कि इफ द डायामीटर ऑफ अ सर्कल इज डबल, नाउ न्यू डायामीटर
विल बी इक्वल टू टू ऑफ प्रीवियस वाला. डबल का मीन्स क्या होता है, टू इंटू टू आर, उसका टू टाइम्स कर देंगे. टू टाइम्स ये कर देंगे तो रेडियस क्या हो जाएगी, न्यू रेडियस, न्यू रेडियस विल बी टू इंटू टू आर डिवाइडेड बाई टू इज इक्वल टू टू आर. ठीक है, सो एरिया टू विल बी इक्वल टू पाई टू आर स्क्वायर इज इक्वल टू पाई फोर आर स्क्वायर, और वी कैन से फोर पाई आर स्क्वायर. तो नाउ व्हाट इज द रेशियो, एरिया टू डिवाइडेड बाई एरिया वन इज इक्वल टू फोर पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर. तो ये कितने टाइम्स इंक्रीज हो गई, फोर. मीन्स की एरिया टू इज इक्वल टू फोर इंटू एरिया वन. मीन्स की हाउ मच टाइम्स इंक्रीज, फोर टाइम्स. तो ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर दिस. नाउ क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन. दिस इज शेडेड रीजन ए ई एफ. ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इफ ए बी सी डी इज एन रेक्टेंगल. तो इसके केस में हमें फाइंड आउट करना होगा इसका एरिया. ठीक है, तो नाउ इसमें कैसे निकालेंगे, पहले हम रेक्टेंगल का एरिया निकाल दें, फिर उसमें से हम इस ट्रायंगल का एरिया माइनस करें, दिस ट्रायंगल का एरिया माइनस करें, दिस ट्रायंगल का एरिया माइनस करें, तो वी गेट द एरिया ऑफ दिस शेडेड पोर्शन. ठीक है, तो नाउ सबसे पहले हम एरिया निकाल लेते हैं रेक्टेंगल का. एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू डी सी लेंथ एंड विड्थ. तो लेंथ क्या है, 24 इंटू 15 मल्टीप्लाई करते हैं, 15 फोर जो 60 की 0 पावर है 6, 15 टू जो 30 प्लस 6 क्या हो जाएगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, नाउ अब 1 बाई 1 ट्रायंगल्स के एरिया निकालते हैं. तो सबसे पहले हम निकालते हैं ए बी ई का, दिस वन फर्स्ट ट्रायंगल, दिस वन. नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई इज इक्वल टू क्या होता है, बेस इंटू हाइट ना, फॉर्मूला यही होता है बेस इंटू हाइट का. तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 बाई 2 इंटू बेस में क्या हो जाएगा बी ई इंटू हाइट हम ले लेते हैं ए बी. ठीक है, नाउ ए बी की वैल्यू जो होगी वो 24 सेंटीमीटर ही होगी, मीन्स 1 बाई 2 इंटू 24 ए बी लिखा मैंने. नाउ बी ई की वैल्यू क्या होगी, बी सी इज 15 सी ई इज 8, तो ये क्या होगा 15 माइनस 8 7 क्या हो जाएगा, दिस इज 15 माइनस 8 इज इक्वल टू 7, यहाँ आएगा 7, 12 7 जा 84 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ई सी एफ, ई सी एफ मीन्स दिस वन. नाउ सेम फॉर्मूला यहाँ पर भी हो जाएगा, 1 बाई 2 इंटू ई सी इंटू एफ सी. ठीक है, नाउ एफ सी क्या है, 24, डी सी की वैल्यू है 24, डी एफ की वैल्यू है 12, तो ऑब्वियसली दिस विल बी 12. ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 बाई 2 इंटू ई सी इज इक्वल टू 8 इंटू 12, यहाँ आएगा 4, 12 फोर 48 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल दिस ए डी एफ इज इक्वल टू 1 बाई 2 इंटू ए डी इंटू डी एफ. ए डी की वैल्यू क्या होगी, जो बी सी की होगी, मीन्स 1 बाई 2 इंटू 15 इंटू इसकी क्या है 12, 2 6 12, अब 15 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 90 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, शेडेड एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल 360 माइनस एरिया ऑफ ऑल ट्रायंगल्स मीन्स 84 प्लस 48 प्लस 90 इज इक्वल टू 360 माइनस, इनको प्लस किया, 4 प्लस 8 से 12 की 2 पावर आई 1, 9 प्लस 4 13, 13 प्लस 8 21 और पहले का 1 22, माइनस किया, 0 से 2 जाएगा नहीं तो 10 से 2 गया 8, 5 से 2 गया 3, 3 से 2 गया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर. ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर दिस. क्वेश्चन नंबर 13, इन द गिवन फिगर नॉट ड्रॉन टू स्केल ए बी सी ई, मीन्स की किसकी बात कर रहे हैं, ए बी सी ई, ए बी सी ई दिस वन. ठीक है, दिस इज अ पैरेललोग्राम, पी इज द मिड पॉइंट, दिस पी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी, ऑफ ए डी मीन्स दिस ए डी, इस ए डी का मिड पॉइंट है. ठीक है, एंड ए डी इज परपेंडिकुलर टू ए सी, ए डी इज परपेंडिकुलर टू ई सी मीन्स, ठीक है ये क्लियर हो गया,
इफ AD इज इक्वल टू 20, AD इज इक्वल टू दे रखा है इन्होंने 20 सेंटीमीटर, EC इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर, ठीक है. देन फाइंड द एरिया ऑफ द गिवन फिगर. अब हमें पूरे का एरिया फाइंड आउट करना है, तो दिस इज पैरेललोग्राम और दिस इज ट्रायंगल EDC. तो एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमें इस पैरेललोग्राम का एरिया प्लस दिस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना होगा ना. तो एरिया ऑफ फिगर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ फिगर इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम प्लस एरिया, पैरेललोग्राम में क्या है हमारा ABCE, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल EDC, ठीक है ना. अब देखो सबसे पहले हम एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल निकाल देते हैं. अब ट्रायंगल की निकालेंगे, दिस इज मिड पॉइंट, AD इज 10, तो ये क्या होगा 10 दिस साइड, नहीं AD इज 20 तो दिस साइड 10, दिस साइड 10, ठीक है. मींस कि AD AP इज इक्वल टू PD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AD बाई 2 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ठीक है. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल EDC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू हाइट, हाइट क्या हो गई PD, इंटू बेस, बेस क्या हो गया EC, इज इक्वल टू 1/2 इंटू 10 इंटू 18, तो यहाँ पर 9 इंटू 10 क्या हो जाएगा 90 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है. नाउ अब हमें एरिया और पैरेललोग्राम निकालना हो तो उसकी हाइट भी 10 है और बेस क्या है EC, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCE इज इक्वल टू EC इंटू AP इज इक्वल टू 18 इंटू 10 इज इक्वल टू 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है. तो नाउ टोटल एरिया इज इक्वल टू 180 प्लस 90 इज इक्वल टू 270 सेंटीमीटर स्क्वायर. विच ऑप्शन इज करेक्ट, फॉर दिस ऑप्शन सी इज करेक्ट.